कुदरत के भी कुछ अपने रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं। अगर लोग इन रूल्स और रेगुलेशंस को समझते नहीं हैं, फॉलो नहीं करते हैं, तो उन्हें अपनी लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो प्रेगनेंसी नहीं चाहते और उन्हें बहुत ही ईजली कंसीव हो जाता है बिना कुछ ट्राई किए, बिना कुछ ट्रीटमेंट लिए, और वो अपनी प्रेगनेंसी को ख़त्म भी कर लेते हैं, अबॉर्ट भी कर लेते हैं। और मैं उन्हें समझाता भी हूँ कि लोगों को लाखों का ट्रीटमेंट लेने के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, कंसीव नहीं होती है, बट कुछ कपल्स मेरी बात को समझ भी जाते हैं। कईयों को मेरी बात समझ नहीं आती है, कईयों के कुछ पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, फैमिली इशू होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, या करियर बनाना होता है, तो वो अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे कपल्स हैं जो लाखों का ट्रीटमेंट लेते हैं, सालों साल वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, उनको पीरियड्स आ जाते हैं। कुछ लोग IUI IVF का सहारा लेते हैं, लेकिन ये सब फेल हो जाता है। और कईयों को प्रेगनेंसी कंसीव होती है इन ट्रीटमेंट के बाद, लेकिन उनका बाद में मिसकैरेज हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुदरत के वो 5 नियम बताने वाला हूँ जिसके कारण लोगों को प्रेगनेंसी कंसीव होती है बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी मेडिसिन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। देखिए गाइस, जो कुदरत की 5 चीज़ें हैं जिसके कारण किसी भी कपल को प्रेगनेंसी कंसीव होती है, उसमें से जो नंबर 1 चीज़ है वो है महिला का अंडा, जिसे हम लोग ओवम बोलते हैं। नंबर 2 पुरुष का स्पर्म, जिसे हम लोग हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं। नंबर 3 अंडे का प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो महिला का अंडा है वो रिलीज हो रहा है, फूट रहा है, तो वो कैसे फूट रहा है, मतलब वो पककर फूट रहा है, मैच्योर होकर रिलीज हो रहा है अंडेदानी से, कि इन मैच्योर ही वो रिलीज़ हो रहा है, जिसे हम लोग बोलेंगे कि अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है अगर वो मैच्योर होकर रिलीज़ नहीं हो रहा। फिर उसके बाद अंडे का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसा है, मतलब कि अंडे को रिलीज़ होने के बाद, फूटने के बाद फैलोपियन ट्यूब में जाना होता है, वहाँ पर अंडा स्पर्म का इंतज़ार करता है कि स्पर्म उसको आकर फर्टिलाइज़ करेगा। तो जब अंडा रिलीज़ हुआ, फूटा और फैलोपियन ट्यूब में जाए, तो उसके बीच में, रास्ते में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, मतलब कि कोई ब्लॉकेज ना हो, कोई स्कार टिश्यू ना हो फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। नंबर 4 है स्पर्म का प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो पुरुष का शुक्राणु है उनकी संख्या नॉर्मल होनी चाहिए, स्पर्म काउंट नॉर्मल होना चाहिए, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। मॉर्फोलॉजी से मतलब है कि स्पर्म की जो शेप है, आकृति है, वो नॉर्मल होनी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि जिन कपल्स को प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, तो मेल पार्टनर के जो स्पर्म हैं उनकी आकृति में एबनॉर्मैलिटी होती है, जिसके कारण स्पर्म मोटाइल नहीं रहते हैं, उनमें गतिशीलता नहीं होती है, और अगर स्पर्म गतिशील नहीं होंगे तो वो अंडे तक कैसे पहुंच पाएंगे। तो स्पर्म की मॉर्फोलॉजी भी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद स्पर्म का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी सही होना चाहिए, मतलब कि जब मेल पार्टनर इजैकुलेट करता है तो स्पर्म को स्विम करके फैलोपियन ट्यूब तक भी पहुंचना होता है, और बीच में जो बच्चेदानी का मुंह आता है, बच्चेदानी आती है और फैलोपियन ट्यूब आती है, उसके बीच में कोई ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए, कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, जैसे कि बच्चेदानी के मुंह में सूजन ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, बच्चेदानी के अंदर कोई गांठ, कोई ट्यूमर ना हो, और फैलोपियन ट्यूब भी खुली होनी चाहिए, उसके बीच में कोई ब्लॉकेज ना हो, कोई स्कार टिश्यू डेवलप नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर अंडा और स्पर्म मिल जाते हैं, मतलब कि अंडा फर्टिलाइज हो जाता है, तो इस फर्टिलाइज अंडे को बच्चेदानी में जाना होता है, मतलब कि यूट्रस में जाना होता है, वहाँ पर ये फर्टिलाइज अंडा इम्प्लांट होता है। तो इम्प्लांट होने के लिए बच्चेदानी की जो सतह है, जिसे हम लोग एंडोमेट्रियम लाइनिंग बोलते हैं, उसको एक पर्याप्त मात्रा में मोटा होना भी ज़रूरी है। अगर इसकी मोटाई पर्याप्त नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा और महिला को पीरियड्स आ जाएंगे। इसके साथ ही बच्चेदानी की जो शेप है वो भी नॉर्मल होनी चाहिए, बच्चेदानी के अंदर कोई गांठ, कोई ट्यूमर नहीं होना चाहिए, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये मुख्य 5 चीज़ें हैं, अगर किसी भी कपल की ये 5 चीज़ें नॉर्मल हैं तो 101%
किसी भी कपल को प्रेगनेंसी बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी ट्रीटमेंट के ईजली कंसीव हो जाएगी। अब इन पांच चीज़ों में जो सबसे मेन चीज़ है जिसे आप लोगों को ध्यान देना है और जो बहुत ही कम समय के लिए अवेलेबल होती है, जिसके कारण किसी भी कपल को प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, वह है महिला का ओवम, महिला का अंडा। अधिकतर केसेस में मैंने देखा है कि लोगों को लगता है कि ये जो अंडा है, ये जो ओवम है, ये डेली रिलीज होता है और हमेशा अवेलेबल रहता है जब भी आप इंटरकोर्स करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो अंडा है इसका जीवन काल होता है, ये 12 से 24 घंटे तक ही अवेलेबल रहता है। अगर आप इस बीच में रिलेशन रखते हैं, फिजिकल रिलेशन, तो प्रेगनेंसी रुक जाती है, अदरवाइज प्रेगनेंसी नहीं रुकती और महिला को पीरियड्स आ जाते हैं। अब ये जो अंडा है, जिस दिन ये फूटता है उस दिन को क्या बोलते हैं, ओवल्यूशन डे बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ओवल्यूशन डे है ये मासिक चक्कर के कुछ विशेष दिनों पर ही होता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये अंडा किस टाइम पर अवेलेबल रहता है, ताकि आप फिजिकल रिलेशन रखें और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। अब किसी महिला को ओवल्यूशन डे पता करने के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है। मान लीजिए कि किसी भी महिला को 1 तारीख को पीरियड्स आते हैं, ठीक है, और उन्हें ये भी पता है कि जो उनके पीरियड्स हैं नेक्स्ट कौन सी तारीख को आने वाले हैं। सपोज करो कि जो नेक्स्ट पीरियड्स हैं वो अगले मंथ की 1 तारीख को ही आने हैं, और ये जो मंथ है ये 30 दिनों का है, ठीक है। तो 30 डेज की पीरियड साइकिल की लेंथ हो गई, तो आपको क्या करना है, ओवल्यूशन को पता करने के लिए आपको 30 में 14 दिन वापस आने हैं, मतलब 30, 29, 28 करके आप वापस आओगे पीछे, तो 17 तक 14 दिन कंप्लीट हो जाएंगे और आपके पास क्या डेट निकल कर आएगी, 16 जो डेट है वो महिला को ओवल्यूशन डे होता है, ठीक है। अब इसको अच्छे से और कंफर्म करने के लिए, एक अच्छा आइडिया लेने के लिए आपको क्या करना है, एक दिन प्लस एक दिन माइनस करना है। तो 16 में आप एक दिन प्लस एक दिन माइनस करेंगे तो आपके पास 3 डेट आ जाएगी, 15, 16, 17, ये महिला का ओवल्यूशन डे एक्सपेक्टेड डेट होती है जहां पर महिला को अंडा फूटने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है, स्पर्म का अंडे को मिलना। और स्पर्म है उसका जो जीवन काल है वो 3 से 5 दिनों का होता है, ठीक है। अगर हम इस फैक्ट को ओवल्यूशन के साथ जोड़ें तो हम लोग फर्टाइल टाइम निकाल सकते हैं, फर्टाइल विंडो निकाल सकते हैं। फर्टाइल विंडो का मतलब है जहाँ पर महिला को, जहाँ पर कपल को प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं इन दोनों फैक्टर के बेसिस पर। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो ओवल्यूशन डे हमारा निकला 16 तारीख, उसमें आपको 2 दिन प्लस करने हैं और 4 दिन माइनस करने हैं। तो 2 दिन अगर आप प्लस करोगे तो 18 होगा, 4 दिन माइनस करोगे तो 12 होगा। अब जो महिला है उसका फर्टाइल टाइम 12 से 18 का हुआ, तो ये दिन आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। आप चाहे बाकी के दिन मिस कर जाओ, फिजिकल रिलेशन ना रखो, लेकिन 12 से 18 दिन जो हमने निकाले हैं फर्टाइल टाइम के, इन दिनों पर प्रेगनेंसी लगने के, रुकने के, कंसीव करने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर कई फीमेल्स ऐसी होती हैं जिन्हें पीरियड्स में इरेगुलरिटी होती है। कईयों का जो पीरियड साइकिल है वो 30 डेज़ का है, ये मंथ 30 डेज़ का हुआ, अगला मंथ 35 दिनों का हुआ, फिर अगला मंथ 40 दिनों का हुआ। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको अपने पीरियड साइकिल को ट्रैक करना है। मतलब एक मंथ 30 दिनों का था, अगला मंथ 35 दिनों का हुआ, उससे अगला मंथ 35 दिनों का हुआ, तो आप तीनों मंथ को जोड़ लो, ठीक है। टोटल कितना हुआ, 100 हुआ, 100 हुआ, तो 100 को आप 3 से डिवाइड कर लो, तो कितने दिनों की साइकिल बनी आपकी, 33 डेज़ की साइकिल बनी। तो उसमें आप 14 दिन वापस आ जाओ, ठीक है। 14 दिन वापस आओगे तो आपको 19 मिलेगा, 19 तारीख के अराउंड आपको ओवल्यूशन होगा, फिर उसमें 1 + 1 माइनस करना तो 18, 19, 20 तारीख बनती है ऐसे। तो इन दिनों के अराउंड आपको ओवल्यूशन होगा। अब ओवल्यूशन को और अच्छे से पता करने के कुछ आपको बॉडी साइनो सिम्टम भी देती है। पहला साइनो सिम्टम है कि आपको लोअर एब्डोमन पेन होगा, बैक पेन होगा, और जो पेन है वो पोटी वाली जगह तक जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ ये नीचे की साइड में जा रहा है। दूसरा है निप्पल पेन होते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट पेन होता है। नंबर थर्ड है कि जो सर्वाइकल म्यूकस है उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी हो जाएगी और आपको एग वाइट डिस्चार्ज होगा, ठीक है।
और अगला है कि आपका BBT बेसल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। बेसल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, जब आप सुबह के टाइम उठोगे, कोई आपने एक्टिविटी नहीं करनी और डायरेक्ट आपने टेम्परेचर लेना है, तो आप अगर रेगुलर मॉनिटर करोगे ना अपना BBT बेसल बॉडी टेम्परेचर, तो ओवल्यूशन के टाइम आपका जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब ये तो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया कि आपको रिलेशन कब रखना है, और रिलेशन के ड्यूरिंग लोगों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं। पहला है कि कपल मुझसे बहुत बार जो पेशेंट OPD में आते हैं वो हमेशा पूछते हैं कि सर हमें बस ये बता दो कि बच्चेदानी का मुंह कब खुलेगा। देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बच्चेदानी के मुंह के खुलने का कोई मैटर नहीं है। आपको ये जो 5 चीज़ें मैंने बताई है उसी को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इन 5 चीज़ों को ध्यान में रखकर फिजिकल रिलेशन बनाएंगे तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। दूसरा है कि लोगों को ये लगता है कि पीरियड साइकिल के दौरान अगर वो रिलेशन रखते हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नंबर थर्ड होता है स्पर्म को लेकर, कि भाई उनका जो स्पर्म है, मेल पार्टनर का स्पर्म है, वो बाहर निकल जाता है जब वो रिलेशन बनाते हैं, या फिर स्पर्म बहुत ज़्यादा पतला है। अब देखिए, जो स्पर्म पतला है वो स्पर्म पतला नहीं होता है, वो सीमेन आप लोग बोलते हो कि वो पतला है, वीर्य पतला होता है, ठीक है, और वीर्य के अंदर स्पर्म होते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, इसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि स्पर्म पतला क्यों होता है और ये बाहर क्यों आता है। लेकिन अगर आपको ये ज़्यादा बात परेशान करती है तो आपको वुमेन डाउन पोजीशन यूज़ करनी है इंटरकोर्स के टाइम, और हिप के नीचे, वुमेन के हिप के नीचे आपको 2 पिलो प्लेस करने हैं रिलेशन बनाते समय, ठीक है। और जो इजैकुलेशन है वो आपको अंदर जितना डीप हो सके वहाँ डीप आपको इजैकुलेशन करना है। इसके साथ ही मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स भी देना चाहूँगा जो कि कंसीव करने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि जो कपल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, स्ट्रेस में आ जाते हैं जब उनको कंसीव नहीं होता है। आस पड़ोस में लोगों को कंसीव हो रहा है, न्यू मैरिड कपल्स हैं उनको बहुत ही जल्दी कंसीव हो गया, या फिर आपकी रिश्तेदारी में लोगों को कंसीव हो रहा है लेकिन आपको कंसीव नहीं हो रहा और आप लोग स्ट्रेस में आ जाते हो। तो ऐसी चीज़ों को आप दिमागी तौर पर मत लो। अगर ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आपको ओवल्यूशन नहीं होगा, फीमेल पार्टनर को ओवल्यूशन ही नहीं होता है स्ट्रेस इन्वायरमेंट के कारण। तो अपनी लाइफ में खुशी लेके आएं और अपनी लाइफ को एंजॉय करें ताकि आपको कंसीव हो। दूसरा ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप टाइम से खाते पीते नहीं हो, तो आपको सप्लीमेंट्स लेने ज़रूरी होते हैं। और जिन लोगों को कंसीव नहीं होता है तो मैं उन्हें स्पेशली ये एडवाइस दूंगा कि आपको प्रीनेटाइल विटामिंस लेने आज से ही शुरू कर देने चाहिए, जिसमें आपको आयरन, फोलिक एसिड, जिंक, कैल्शियम, आयोडीन और DHA और इसके साथ ही कोलीन, जो कि आजकल लोग लेते नहीं हैं, ये सब आपके सप्लीमेंट में इंक्लूडिंग होना चाहिए। इन सप्लीमेंट से क्या होगा, एक तो आपको ओवल्यूशन अच्छे से होगा, दूसरा आपकी एग की क्वालिटी बहुत अच्छी इंक्रीज हो जाएगी, दूसरा अगर आपको कंसीव हुआ है तो मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे इन सप्लीमेंट्स से, ठीक है। दूसरा फैक्टर ये है कि आजकल मैंने देखा है कि लोग एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, तो आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है। और मैंने ये भी देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा वीडियो को देखकर मोटिवेट हो जाते हैं, एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा करते हैं, हैवी एक्सरसाइजेज करते हैं अपनी प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए, तो ये सब भी गलत है। अगर आप हैवी एक्सरसाइजेस करते हो तो ओवल्यूशन तक आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओवल्यूशन के बाद आपको हैवी एक्सरसाइजेस, खास तौर पर वेट लिफ्टिंग वगैरह नहीं करनी है। इसके अलावा कपल का बॉडी वेट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खास तौर पर जो फीमेल ओवरवेटेड हैं, जिनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा अधिक है, तो ऐसी कंडीशन में देखा गया है कि उन्हें PCOD, PCOS की प्रॉब्लम रहती है, थायराइड की प्रॉब्लम रहती है और एग की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, जिससे क्या होता है, उन्हें कंसीव नहीं होता है। दूसरी तरफ जिन फीमेल्स का बॉडी वेट हद से ज़्यादा कम है, अंडरवेटेड हैं, तो उससे क्या होता है, पीरियड्स में इरेगुलरिटी आ जाती है और पीरियड्स की जो ब्लीडिंग है वो भी 1-2 दिन होती है और एग की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है, न्यूट्रिशनल डाइट लेनी है और अपना बॉडी वेट इंक्रीज़ करना है। और दोनों ही कंडीशन में आपका जो BMI है, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। इसके अलावा एज फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आप लोगों की एज 30 से कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन सभी मेथड्स को यूज़ कर सकते हो 6 से 8 मंथ तक। लेकिन स्टिल आपको कंसीव नहीं होता है तो फिर आपको टेस्ट करवाने पड़ते हैं, स्कैनिंग करवानी पड़ती है, ताकि हम लोग ये देख सकें कि एग की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, उसका ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है कि नहीं है, स्पर्म का प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चेदानी की लाइनिंग अच्छी है कि नहीं, शेप अच्छी है कि नहीं है, तो कुछ आपको टेस्ट करवाने पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी एज 30+ है, 30 से ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है। ये तरीके आप 6 महीने तक अपना कर देख सकते हो। अगर आपको कंसीव नहीं होता है तो फिर आप अपने नियरेस्ट किसी भी डॉक्टर से सलाह लीजिए इस बारे में कि आपको कंसीव क्यों नहीं हो रहा है, फिर आप मुझसे डायरेक्ट ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर। तो गाइज़ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।